वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जो है सीखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के बेसिक से कॉन्सेप्ट, वो छोटे छोटे से जो हर किसी को समझ में आ जाए, मज़ा भी आए एक्सट्रीम लेवल पे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक से चीज़ें, ठीक है। तो चलो ये देख पा रहे हो हमारा पहला पेज है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इंट्रोडक्शन है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में जैसा कि देख पा रहे होगे कि ये इंट्रोडक्शन है हमारा, और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन है, ये बेसिक वाला, ठीक है। तो आज हम लोग अभी बेसिक पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मोशन की अगर बात करें तो मोशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन हमारे देखो तीन तरीके के हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। अब आगे चलते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज सेम वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक हमारा रोड है, यहाँ पे एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, साइकिल चला रहा है, इसका खुद का वेलोसिटी और साइकिल के हर पार्टिकल का वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी है, तो ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है। नेक्स्ट चलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हम किसे कहते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि द पीरियोडिक टू एंड फ्रू मोशन। देखो टू एंड फ्रू मोशन का मतलब होता है इधर उधर, ये देख रहे हो ठुमके लगा रहा है इधर से उधर ठुमके जो लगा रहा है, ये है हमारा टू एंड फ्रू मोशन, इसे ही ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो द पीरियोडिक टू एंड फ्रू मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सेम पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ द नेक्स्ट सर्कुलर मोशन की बात करें। तो अब सर्कुलर मोशन क्या है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर के अबाउट में ये जो पार्टिकल है देखो ये मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, इधर से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट में यूसीएम कहा जाता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को नॉन यूसीएम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, लिखा भी है देखो इट इज ऑल्सो एब्रीविएटेड एज यूसीएम, इट इज ऑल्सो एब्रीविएटेड एज नॉन यूसीएम। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा तब होगा जब पार्टिकल की स्पीड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है, कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड। देख पा रहे हो स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, तब उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा तब होता है जब पार्टिकल की स्पीड बदल रही हो, जैसा कि आप यहाँ डिफिनेशन में देख पा रहे हो कि लिखा है यहाँ पे कि द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूसीएम। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है, वंस अगेन एब्रीविएट किया गया, डिफाइन किया गया कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मोशन ऑफ मून अराउंड आवर अर्थ, ठीक है, यहाँ से सनलाइट है और ये हमारा जो हम लोग देखते हैं कि चांद हमारा कभी जो है पूरा दिखता है, कभी कम दिखता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है, ये उसका एनिमेशन है जो कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि कब हम चांद को देख पाते हैं, कब हम चांद को नहीं देख पाते हैं, किस तरीके से हमारा चांद अर्थ से विजुअलाइज होता है, दिखाई देता है, वो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, सब लोगों ने मेले में बड़े वाला झूला घूमा होगा, ठीक है ना, मेले में सबने ऐसा वाला झूला देखा होगा, ये नॉन यूसीएम का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब इस पे जितने भी पैसेंजर्स कह लो या लोग जो मज़े लेने जा रहे हैं मेले में, जो बैठते हैं इसके ऊपर, वो रुका हुआ होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर तेज़ी से घूमता है, फिर धीरे धीरे रोक के उतारा जाता है। तो इसकी स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों स्टेट में होती है, स्पीड इसका बदल रहा होता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, यानी कि वेरिएबल स्पीड होती है, क्या होता है, वेरिएबल स्पीड होता है, तो इसलिए ये हमारा नॉन यूसीएम का एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं,
कुछ सवाल है हमारे सामने, देख पा रहे हैं हम लोग। पहला सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, पहला सवाल हमारे सामने दिया है कि मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूसीएम कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास आगे दे रखा है दूसरा सवाल कि द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद चेंजिंग स्पीड, जब स्पीड चेंज हो रहा हो वो नॉन यूसीएम होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का अगला सवाल है। उसी बेसिक बेसिक से सवाल है ये बच्चों क्लास के, एकदम मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये, ठीक है ना। कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, उसे लीनियर मोशन कहते हैं, तो लीनियर मोशन है। अगला सवाल रेडियस वेक्टर क्या होता है, तो रेडियस वेक्टर समझते हैं क्या होता है कि इन सर्कुलर मोशन अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, ठीक है। कि सर्कल के सेंटर से, ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये पार्टिकल के, ये एक इंस्टेंटेनियस पोजिशन है, ये भी हमारा एक इंस्टेंटेनियस पोजिशन है, ये भी हमारा एक इंस्टेंटेनियस पोजिशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये और ये इंस्टेंटेनियस पोजिशन है। और इस इंस्टेंटेनियस पोजिशन पे जो हमने ये आर वन आर टू और आर थ्री ड्रॉ कर रखे हैं, आर टू आर थ्री है, आर वन है और ये हमारा आर टू है, ऑल दीज आर इंस्टेंटेनियस पोजिशन वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस से अटैच है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये सभी आपस में बराबर होंगे, विच इज इक्वल टू रेडियस। तो अगर पार्टिकल हमारा पोजीशन पी वन पे है, पोजीशन पी टू पे है, पोजीशन पी थ्री पे है, तो तीनों वेक्टर के फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग होगा। इसके पीछे का रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन ये है सिंपली कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में देखो तो हमारा पी वन जो आर वन पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इधर है, आर टू पोजिशन वेक्टर आप देखो तो यहाँ से इधर है, ठीक है, और आर थ्री पोजिशन वेक्टर को देखो तो यहाँ से ये इधर है। ये हमारा आर वन पोजिशन वेक्टर है, ये हमारा आर टू पोजिशन वेक्टर है और ये हमारा आर थ्री पोजिशन वेक्टर है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में हैं। इसलिए अगर वेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ये देख पा रहे हो ये तीनों इक्वल नहीं हैं, बिकॉज सब अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई है और ये वाई डैश एक्सिस है, तो ये सब सारे वेक्टर्स जो हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में अलग अलग जा रहे हैं। ये हमारा एक्स और वाई के पॉजिटिव में है कि इसका दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, यानी आई कैप जे कैप के टर्म में जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव आएगा। जबकि इसकी बात करें तो एक्स का तो पॉजिटिव मिलेगा लेकिन वाई का नेगेटिव में मिलेगा, जबकि इसकी बात करें तो एक्स का भी नेगेटिव में मिलेगा और वाई का भी नेगेटिव में मिलेगा। तो इनके वेक्टर फॉर्म में तो वैल्यूज अलग अलग हैं, सो दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। लेकिन जैसे ही हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये सभी रेडियस के इक्वल हैं, तो ये सभी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे रेडियस वेक्टर हैं, आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर और आर थ्री वेक्टर, जिनका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट मीटर होता है। अच्छा मीटर है तो डायमेंशन में केवल हमारे पास एल बचेगा, एम और टी के पावर जीरो रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल हमारे सामने आ गए। पहला सवाल है कि डायमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर इज गिवन एज, तो यूनिट हमारा मीटर है, ठीक है ना। रेडियस वेक्टर का यूनिट की बात करें तो मीटर है, और मीटर के लिए सिंपली एल होता है और कुछ नहीं, तो एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो रेडियस वेक्टर ही हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। तो मान लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले डिफिनेशन पे आप चलते हैं कि इन सर्कुलर मोशन द एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान दें गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यूनिट की बात करें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यूनिट हमारे नेक्स्ट पे मेंशन है कि इसके एसआई यूनिट की बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, रेडियन होता है, रेडियन, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एंगल है और एंगल बराबर होता है जनरल फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क को भी मीटर में मेजर करेंगे और रेडियस भी मीटर में, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ यूनिट एम के सिस्टम में, एसआई सिस्टम में कोई इसका यूनिट नहीं है, तो ये जो हमारा एंगल है बेसिकली, ठीक है ना, जो हम बात कर रहे हैं एंगल, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है, ये सब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़ कि सप्ली
ये हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। केवल एंगल ही नहीं, एंगल हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारा नॉर्मली जो एंगल बोलते हैं, जिसको प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल, दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल को सिंपली एंगल के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों ही प्लेन एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल, ये दोनों ही हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। और ये डायमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि इनका एमकेएस सिस्टम में कोई, एसआई सिस्टम में कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका डायमेंशन पे देखो, एम पे भी जीरो, एल पे भी जीरो, टी पे भी जीरो। फिर भी इसका रेडियन, एंगल के यूनिट की बात करें तो रेडियन होता है, जबकि सॉलिड एंगल की यूनिट की बात करें तो स्टे रेडियन होता है, सिंपली इसको एसआर लिखा जाता है, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड थम रूल, इसका जो एंगल का डायरेक्शन है राइट हैंड थम रूल से दिया जाता है। अब इधर वापस आते हैं, ठीक है। एंगल का ये हमारा फार्मूला है कि एंगल बराबर थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ये एस देख पा रहे हो कि जब पार्टिकल ए से बी तक हमारा मूव किया, कंप्यूटर साहब हमारे करेक्ट हो गए, चलो वापस से आते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस जो हो गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। डिस्टरबेंस कभी कभी होता रहता है, कम्युनिकेशन वगैरह में, इंटरनेट वगैरह में कभी कभी फ्लक्चुएशंस आ जाता है। तो चलो फिर से वापस आ जाते हैं। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा थीटा है, इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसा कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक मूव किया, कितना एंगल स्वेप किया है, थीटा, तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइम जीरो है, मान लो यहाँ पे कोई टाइम टी वन है, और यहाँ पे को आया तो कोई टाइम टी टू है, ठीक है ना। और ये रेडियस वेक्टर आर है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि अगर इसका मैग्नीट्यूड हमारा आर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा आर है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस एस अपॉन आर। और इंस्टेंटेनियस, और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा देखो, आर्क बराबर हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, ठीक है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस दे रखा है कि अगर पार्टिकल बी से सी तक गया, जिसमें इंस्टेंटेनियस हमारा आर कितना ट्रेवल किया है, डेल्टा एस ट्रेवल किया, और एंगुलर स्वेप्ट हमारा कितना है, डेल्टा थीटा है, तो रेडियस का मैग्नीट्यूड तो हमारा आर ही रहेगा, और वेक्टर फॉर्म में वो आर ही रहेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एस बराबर एंगल इंटू इतना। अब यहाँ से हमको एंगल जो है एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। और स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली आर्क बराबर हम ऐसे ही लिख देंगे कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, मल्टीप्लाइड बाई एंगल, ठीक है। तो ऐसे हम लिख देंगे थीटा। अब यहाँ पे नोट, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ना कि टोटल एंगल। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके डायरेक्शन को हम लोग किससे निकालते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, ये हमारा राइट हैंड का थंब है, और ये हमारे चारों फिंगर से जो कि घूमी हुई है। तो अगर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर जैसे पार्टिकल देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल यहाँ से इधर घूम रहा है, तो हमारा एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर होगा जिधर हमारा थंब एक्ट है। अगर इसी के जस्ट अपोजिट कि अगर पार्टिकल के डायरेक्शन का, यानी पार्टिकल का मोशन हम चेंज कर दें, पार्टिकल इधर से इधर मोशन कर रहा है, तो अपने राइट हैंड थंब को कैसे होल्ड करना है, यानी देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हमारे फिंगर्स इस तरीके से मूव की हुई हैं, और हमारा जो थंब है, ये थंब ही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ सवाल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई, तो राइट हैंड पाल रूल लिखा है, राइट हैंड स्क्रू रूल लिखा है, राइट हैंड थंब रूल लिखा है, ये तीनों ही हमारे एक ही तरीके के लॉ हैं, और ये तीनों ही से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट, फॉर अ सर्कुलर मोशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज द एंगल ट्रेस्ड बाई, तो एंगल कैसे ट्रेस्ड होता है कि भाई मान ली, अरे ये क्या बन गया हमसे,
ठीक है, मान लिया पार्टिकल ये रेडियस वेक्टर है, तो जब यानी यहाँ का पार्टिकल मोशन करते हुए यहाँ पर आ गया तो ये रेडियस वेक्टर ही तो एंगल हमारा स्वेप्ट करता है। तो रेडियस वेक्टर इन फाइनाइट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब हमारा रेडियस वेक्टर जो एंगल स्वेप्ट आउट करता है, इसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन होता है यूनिट, ठीक है, रेडियन होता है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है तो डायमेंशनलेस पे टिक कर देना है। अब बात है एंगुलर वेलोसिटी का, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको अब अपन लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही, और जो एंगुलर वेलोसिटी का टर्म है इसको अपन लोग अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और जो कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।